मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में जमीन संबंधित विवाद और घरेलू हिंसा पारिवारिक विवाद के मामले पहुंचे, जहां पर एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल ने सभी मामलों को गंभीरता से सुना। इन मामलों में निराकरण के लिए संबंधित थानों को निर्देशित किया गया है, जहां पर महिला अपराध एवं पारिवारिक उत्पीड़न के मामलों में महिला ऊर्जा डेस्क और परिवार परामर्श केंद्र के माध्यम से फरियादियों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं। क्लाइंट हो तो बताना, मकान बेच रहे हैं, मेरे अंडर पर 11 कमरे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने लाया है, बट इनने अपने हाथ से पैसे ले जाके पार्षद को दिए और अब वो मना कर रहा है, मकान दिलवा दिया लेकिन कागज नहीं दिया उसने। ये जो मकान दिलाया, कहाँ पे दिलाया है? पन्नी मोहल्ला सोहागी। रिसेल मकान है कि किसी से ले, किसी को? हाँ, किसी से ले के उन्होंने दिया। शासन नीति नहीं हो सकता है मकान किसी, लेकिन वो रह रहे हैं बट उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिया और उन लोग ना मेरे हस्बैंड के खिलाफ रिपोर्ट कर दी है। 1.5 साल हो गया केस चल रहा है। ये काम वो फरार है। कितने का मकान बेचने का बोला गया? ये 6 लाख पूरा पूरा। कितने लोग लिप्त लग रहे हैं इसमें? इसमें 6 लोग हैं। पार्षद हैं? ये पार्षद वहाँ के हैं, महाराजपुर। क्या नाम है? गिरीश घोटिया। कौन सी पार्टी के पार्षद? भाजपा है। और ये जो मकान है, ये क्या सरकारी मकान थे? जी, सरकारी मकान। तो जिन्होंने खरीदा उनके खिलाफ शिकायत की? जी। नजदीकी थाने में आपने शिकायत दी? जी। 1.5 साल हो गया, सब हुआ, कुछ भी नहीं। वो उनको यहाँ पे भी आई थी मैं, कुछ नहीं हुआ। मेरा आरती सिंह चंदेल। इसने हमारे दामाद को काम पे लगाया अपने पास और इसने उन्हें वो किया, ये मकान बेचना है शिवम, आप उनसे कागज लो। सबसे लड़के ने कागज लिया और फिर क्या बोला, इतना इतना पैसा लेना है, सबसे लिया और पार्षद को दिया, जबकि हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है पैसे की। रही है ना? तो कौन सी जमीन है वो? ये सरकारी डुप्लेक्स बने हैं ना सर, तो मोदी के। हाँ, उसको बेचा है उसने, ग्रीस घोटिया, उसने बेचा कम से कम 6-7 ब्लॉक। अपना नाम बताइए। मेरा विमला प्यासी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनसुनवाई की जा रही है सभी अधिकारियों के द्वारा, और अब तक जनसुनवाई में करीब 50 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं और इन सभी शिकायतों का हम त्वरित निराकरण कराए जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। इसमें ज़्यादातर शिकायतें जमीन संबंधी और पारिवारिक डिस्प्यूट से संबंधित शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हुई हैं, और इनको हम जो पारिवारिक डिस्प्यूट के मामले हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी मामले हैं, उसको हम महिला थाने के माध्यम से और जो महिला परामर्श केंद्र है हमारे यहाँ, जो ऊर्जा डेस्क है, उनके माध्यम से इनका निराकरण कराया जाना सुनिश्चित कर रहे हैं। जलपुर से आशीष पाथरी की रिपोर्ट।